तो हेलो 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 एंड वेलकम 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 टू आर न्यू वीडियो। एंड इस हफ्ते की जो रिकमेंडेशन है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले रिकमेंडेशन जो है वो जुबली एक वेब सीरीज़ आई है अमेजन प्राइम पे, आप इसको स्ट्रीम कर सकते हैं। विक्रम मोटवानी जी के द्वारा ये बनाई गई है वेब सीरीज़, और प्राइम पे इसके पहले 7 तारीख को इसके कुछ एपिसोड्स आए थे, 14 तारीख को इसके कुछ दूसरे एपिसोड जो बचे हुए एपिसोड थे वो आए थे। और काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार ये वेब सीरीज़ है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी हो रही है इसकी। और सिनेमा का जो जिस तरीके से परस्यू किया जाता है अभी तक का, और जो इनिशियल स्टेज पर जो सिनेमा किस तरीके से बना है उसको पूरा दिखाता है, तो आप भी इसको देखिए, हाईली रिकमेंडेड है ये। तो बेसिक कहानी ये है कि एक रॉय स्टूडियो नाम का एक बहुत बड़ा स्टूडियो है, और जिस तरीके से हम देखते हैं कि नए मतलब कि चेहरों को वो चांस देना चाह रहा है यहाँ पे रॉय स्टूडियो जो है, और उसमें जो रॉय बाबू हैं उनका करेक्टर वो जिन्होंने किया है वो भी काफ़ी शानदार है उनका, उन्होंने जिन्होंने निभाया है इसको। और वो एक मतलब कि हीरो की तलाश कर रहे हैं, बट जो हीरो उनको पसंद आता है वो हीरो की अपनी शर्तें हैं, और वो कराची में रह करके एक नाटक कंपनी में काम करना चाहता है, और नाटक कंपनी में जिसके साथ में वो काम करना चाहता है वो ही उसका दोस्त है जो कि डायरेक्टर बनना चाहता है। और रॉय कंपनी में मतलब रॉय स्टूडियो में काम करने वाला मुलाजिम है जिसकी अपनी खुद की एस्पिरेशन है कि वो खुद भी यहाँ पे जो है हीरो बने या फिर जो बड़ा अभिनेता बन के यहाँ पर उभरे। और ये पूरी कहानी चलती है, और इसके बीच में जो इनके लव इंटरेस्ट हैं और इनके जो आपस में जो रिश्ते हैं, और आप देखेंगे इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो मतलब कि ब्लैक एंड वाइट में नहीं है, सबके सब ग्रे हैं, मतलब कि कभी कभी कोई भी सही नहीं होता, कभी कोई भी गलत नहीं होता है। और सिनेमा का जो जो हम देखते हैं कि पार्टीशन के पहले सिनेमा किस तरीके से था, पार्टीशन के बाद में सिनेमा किस तरीके से उभरा, और किस तरीके से जो है संगीत का इस्तेमाल होने लगा, किस तरीके से पिक्चराइजेशन होने लगा, किस तरीके से रील्स कटती थी यहाँ पे, और पूरा के पूरा उसमें जो है काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें बताया गया है। इसमें काफ़ी ज़्यादा काम जिन लोगों का मुझे अच्छा लगा है वो मतलब कि पर्सनली अपार शक्ति खुराना का काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जय खन्ना का जिन्होंने कैरेक्टर निभाया सिद्धांत उनका काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जिन्होंने नीलोफर का कैरेक्टर निभाया उनका काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, राम कपूर का काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसमें, एज अ फाइनेंसर एज अ प्रोड्यूसर वो इसमें काम करते हैं। और इसमें दिखाया गया कि जब एक कोई मतलब कि जो उस ज़माने में जब जब हमारे हीरो हीरोइन होते थे तो उनको कितने हाईएस्ट पेडेस्टल पर रखा जाता था, क्योंकि वो समाज के लिए पिक्चरें बनाते थे। हालांकि इसमें एक एंगल ये भी है, आप देखिएगा कि जो मतलब कि सोशलिस्ट पॉलिसी थी नेहरू जी की, उसको लेकर के दिखाते हैं कि सरकार का मतलब कि किस तरीके से जो इंटरफेरेंस होता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी होता है, कि जब हम देखते हैं कि जो हमने हमारी जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो था हमारा पॉलिसी थी उसमें मतलब कि यूएसए और मतलब कि यूएसएसआर दोनों चाहते थे, इसमें मतलब मूवी ये वेब सीरीज़ में दिखाया गया है कि किस तरीके से उनकी जो मूवीज़ हैं या फिर उनका जो कल्चर है उसको परस्यू किया जाए, उनको दिखाया जाए, और मतलब सोशलिस्ट लिज्म का भी जो इसमें एंगल दिखाया गया है तो उसकी सब बातें हैं इसमें, या फिर जो गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज़ हैं वो किस तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करती है, और फिर रॉय स्टूडियो किस तरीके से जो है हमसे लड़ता है यहाँ पे, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। और एक उभरता हुआ डायरेक्टर किस तरीके से अंदर काम करता है, तो जय खन्ना करके एक करेक्टर है, अगर आप देखेंगे तो दो करेक्टर इसमें ऐसे हैं जो जय खन्ना है जो अपार शक्ति खुराना है उनका करेक्टर है, और जो मदन कुमार जिन्होंने नंदीश जिन्होंने वो करेक्टर निभाया, तो इनिशियली मतलब उनका करेक्टर उनका भी काफ़ी अच्छा किरदार है, बट जब सीरीज़ आगे बढ़ती है तो इन दोनों का कैरेक्टर हम देखते हैं कि आपस में किस तरीके से होता है कि ये इनिशियली दोस्त होते हैं, फिर बाद में कहीं ना कहीं जाकर के ये आपस में एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, और इनका जो लव इंटरेस्ट है वो भी कहीं ना कहीं जाकर के एक ही शख्स में निकल करके आता है। और आप देखेंगे कि जो जय खन्ना है वो डायरेक्टर भी बने हैं, और उनको मतलब कि एक्टिंग भी यहाँ पे करनी पड़ती है यहाँ पे कहीं ना कहीं समाव हम देखेंगे। और उनका जो किरदार है आप देखेंगे शुरुआती दौर में वो मतलब कि कराची से आया हुआ एक रेफ्यूजी है, और उसका परिवार भी रेफ्यूजी कैंप रहता कैंप में रहता है, उसके लिए वो कुछ गलत धंधों में भी पड़ जाता है बाद में चल करके, बट हम देखते हैं कि जब वो अपनी पिक्चरें बनाता है तो वो अपनी शर्तों पर पिक्चरें बनाता है, बट जब उसका एक नाम हो जाता है सटन नाम हो जाता है तो वो अपने सिद्धांतों से भी मतलब कि समझौता कर लेता है समाव कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं। और इसमें हम देखेंगे कि दंगों का सीन है, और दंगों में एक शख्स की जो है मौत का इसमें जो है मतलब कि पूरा जो सीन है वो चलता है यहाँ पे, और हम देखेंगे कि जो कोर्ट केस है जो कोर्ट ट्रायल है वो सब चीज़ें मतलब कि इसके अंदर रहती हैं। और बेसिकली ये है कि अपार शक्ति खुराना का जो कैरेक्टर है उसके द्वारा कुछ ऐसा काम होता है कि वो मतलब कि सारी ज़िंदगी जो है वो उसके साथ चीज़ें चलती रहती हैं इसके अंदर, तो ये मतलब कि कुछ चीज़ें हैं इसमें। और आप देखेंगे तो गानों का सबसे ज़्यादा योगदान है इसके अंदर, जो गाने जिस तरीके से गाए गए हैं, जिस तरीके से फिल्माए गए, जिस तरीके से यूज़ किया गया है, और उस समय के सिनेमा में जिस तरीके से चीज़ें यूज़ होती थी वो सब दिखाया गया, तो अमित त्रिवेदी का इसमें म्यूज़िक है, उनके गाने हैं उनके द्वारा बताए गए मतलब गाने हैं इसके अंदर, तो आप वो आपको वो भी अच्छे लगेंगे सुनने के लिए। और जो ओवरऑल जो सेटअप है इसका, जो ओवरऑल जो ट्रीटमेंट है इसका, वो आपको लगेगा कि हाँ ये पूरा मतलब कि पोस्ट इंडिपेंडेंस या फिर जो जो मतलब कि इंडिपेंडेंस के पहले का जो इंडिया था, जो इंडिपेंडेंस के बाद का जो इंडिया हुआ, जो सिनेमा डेवलप हुआ है, वो सब इसके अंदर दिखाती है चीज़ें, ये काफ़ी मतलब कि शानदार है, काफ़ी अच्छा है सिनेमा। और अपार शक्ति खुराना का कैरेक्टर की बात इसमें काफ़ी ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि वो मतलब रॉय स्टूडियो में एक मतलब कि मुलाजिम है, छोटे स्तर पर काम करता है, बाद में चल करके वो एक बड़ा एक्टर भी बनता है, बट आप देखेंगे जिसने उसको काम दिया, जिस शख्स के लिए वो काम करता है, उस शख्स के सामने जब वो आता है तब वो मतलब कि जो उसका जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पे सामने झलकने को देखने को मिलता है हमें। और काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है उसके अंदर कि वो एक बहुत बड़ा एक्टर है, बाहर काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उसकी जो है पहुँच है, बहुत ज़्यादा मतलब कि लोग उसको हाईली अप्रिशिएट करते हैं, बट जब वो जिसके लिए काम कर रहा होता है
उसके अंडर में जब वो होता है तो वो ही शख्स होता है, मतलब कि जो रॉय स्टूडियो में एज अ मुलाजिम काम कर रहा होता है, एज अ एक्टर वो काम नहीं कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप वेब सीरीज़ है, आपको हाईली रिकमेंडेड है, आप देखिए। और इसके अलावा जो ललन टॉप पे एक जो गेस्ट है न्यूज़ रूम में, जो एक शो आया था इसके पहले संडे को, जो हम देख सकते हैं, तो के मोहम्मद सर, जो मतलब कि हम देख सकते हैं कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में काम करते थे, और उन्हीं के द्वारा जो है हम देख सकते हैं कि राम मंदिर का जो इतना बड़ा जो आंदोलन चला, जो इतना बड़ा मूवमेंट चला, उसमें जो है मतलब कि जो साक्ष्य मिले थे उसमें इनकी काफ़ी ज़्यादा भूमिका थी। और इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो अलग अलग तरीके के इन्होंने जो मतलब कि आर्कियोलॉजी सर्वे जो किए हैं, जो मतलब कि इनके द्वारा जो खोजें की गई हैं उसमें देखने को मिला है। और कई तरीके के जो मंदिर हैं, जो अलग अलग जो हम देखते हैं कि जो अलग अलग काल में दिखाए गए जो मंदिर हैं उसमें किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, उसमें किस तरीके से जो है बाकी चीज़ें उन्होंने बताई है। डकैतों से, डकैत वर्ड जो हम बोलेंगे, डकैत बोलेंगे या बागी बोलेंगे, उनसे जो है किस तरीके से जो है इनका सामना होता है, और पूरा अच्छा काफ़ी इंसाइटफुल जो है इनका इंटरव्यू है। तो ये मतलब कि आप देख सकते हैं, ये भी मतलब हाईली रिकमेंड है, और 2 घंटे के आसपास का शायद से ये कुछ इंटरव्यू है, और काफ़ी अच्छे मतलब आपको इंसाइट मिलेंगे इसमें, जो राम मंदिर को लेकर के हैं, ज्ञान की मस्जिद को लेकर के जो विवाद अभी चल भी रहा है, मथुरा हुआ, जो काशी विश्वनाथ हुआ, यहाँ पर जो मतलब कि जो हम बोल सकते हैं कि जो किस तरीके से जो है मतलब कि इसमें हमको देखने को मिला कि जो आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे हुए हैं उसमें किस तरीके से जो है डेवलपमेंट थे, किस तरीके से खोजें की गई हैं, उस सब के बारे में बताया गया है। और इसके अलावा जो एक और जो मतलब कि शो था, मतलब कि गेस्ट इन द न्यूज़ रूम का, वो भी आप देख सकते हैं। तो मतलब कि जो NHD के जो मतलब कि गुरु हैं, जो मतलब कि राम गोपाल बजाज जी, उनका मतलब कि इंटरव्यू है, और किस तरीके से जो है उन्होंने मतलब कि जो टीचिंग उनका करियर था उसके बारे में उन्होंने बातचीत करी है, और जो NHD के दिनों की उन्होंने बातचीत करी है, और उनके जो गुरु थे अलका जी साहब उनके बारे में कुछ बातचीत करी, उन्होंने इंसाइट दिए हैं इसके अंदर, और जो साहित्य के ऊपर काफ़ी अच्छी बातचीत करी उन्होंने, और साहित्यकारों को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोट किया है इसके अंदर। तो ये इनका इंटरव्यू काफ़ी इंसाइटफुल है, मतलब हमारे बड़े हैं तो हमको सीखने को मिला इस इंटरव्यू के द्वारा, और काफ़ी मतलब अच्छा इंटरव्यू, मतलब कि इनका जो इन्होंने मतलब कि जो इंटरव्यू जिस तरीके से लिया गया और जिस तरीके से इंटरव्यू दिया गया, दोनों काफ़ी इंसाइटफुल था। आप देखिएगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज में आपका इजाफा होगा इसके अंदर, और आपको जो इंसाइटफुल मिलेगा कि जिन भी एक्टर को या एक्ट्रेस को जो आप आज की तारीख में देखते हैं वो मतलब कि सब इनके ही मतलब कि एक टाइम पे स्टूडेंट रह चुके हैं, तो उन सब के बारे में भी इन्होंने बात की है, और इनके द्वारा खुद भी यहाँ पर कुछ एक मतलब कि नाटक के तौर पर मतलब कि कुछ जो हम बोल सकते हैं कि कुछ लाइनें यहाँ पे पढ़ी गई थी इनके द्वारा, वो मतलब कि काफ़ी अंधा युग से मतलब कि जो उससे पढ़ी गई थी, तो वो मतलब काफ़ी इंसाइटफुल है ये इंटरव्यू आपके लिए, ये भी आप देखिए। और इसके अलावा एक और रिकमेंडेशन है, दूरदर्शन के ऊपर अभी जो नया शो चालू हुआ है हमारी सरकार के द्वारा, हम देख सकते हैं कि जो धरोहर भारत की पुरातन की जो है मतलब कि कहानियाँ, इसको मतलब कि हम देख सकते हैं कि ये मतलब कि एक शो आया जिसमें पहले भाग में जो मतलब कि हमारे जो सोमनाथ मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, जो महाकालेश्वर मंदिर है, तो ये सब के बारे में बताया गया है, और इन सबका जो जीर्णोद्धार का काम है, या फिर जो इन सब में जैसे हम देखते हैं महाकाल लोग बनाए, काशी विश्वनाथ में जो मतलब कि अलग जो कॉरिडोर बनाया गया, तो वो किस तरीके से बनाए गए, उस सब के ऊपर यहाँ पे चीज़ें दिखाई गई हैं। और फिर जो दूसरा एपिसोड है इसका, इसके अंदर जो मतलब कि हमारा जो जलियांवाला बाग जो मतलब इंसिडेंट हुआ था उन सब के बारे में, तो जो हमारी जो भारत की जो धरोहर्स हैं, जो मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जो मतलब कि जो हिस्टोरिकल जो इंसिडेंट हुए हैं हमारे, उन सबको लेकर के इसमें बताया गया, काफ़ी इंसाइटफुल है ये भी, काफ़ी अच्छा है, दूरदर्शन के ऊपर अवेलेबल है। दूरदर्शन के साथ में हम देखते हैं कि हमारे जो पुराना जुड़ाव भी है इसके साथ में, तो जिस तरीके से पुराने शोज थे या फिर भारत एक खोज टाइप, जो उस तरीके का शो नहीं है, उस तरीके का ट्रीटमेंट भी नहीं है इसका, बट आपको अच्छे काफ़ी अच्छे जो है मतलब कि हम बोल सकते हैं कि इंसाइट मिलेंगे इसके अंदर, और काफ़ी अच्छा मतलब कि शो है जिस तरीके से दिखाया गया है, और किस तरीके से सरकार ने इसके ऊपर काम किया है, और मोदी जी का भी मतलब कि इसमें मतलब कहीं ना कहीं जो आप देखेंगे इंटरव्यू में इंसाइट हैं इसके अंदर, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। और जो ओवरऑल जो हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव से जो इंडिया है उसकी एक तरह से जर्नी दिखाई जा रही है मतलब कि इसके अंदर, तो ये काफ़ी इंसाइटफुल है। आप मतलब कि देखिए, तो मतलब आप देखेंगे कि जो चाहे वो मंदिरों के काम को लेकर के हो, या फिर जो हमारे ऐतिहासिक जो स्वतंत्रता संग्राम में जो मतलब कि जो घटनाएं घटी हैं उन सबको लेकर के मतलब कि ये शो है, तो आप इसको देखिए। ये भी मतलब आपके लिए रिकमेंडेशन पे है, यूट्यूब पर ही अवेलेबल है, जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट लगा के दिया है इसके अंदर, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम मतलब कि बात करना चाहेंगे, तो वो मतलब कि जो रिकमेंडेशन है वो हम देख सकते हैं कि एक पुरानी मूवी है, छोटी सी बात, इसमें अमल पालेकर साहब हैं और विद्या सिन्हा जी थी इसके अंदर, अशोक कुमार और असरानी जी इसके अंदर थे मूवी के अंदर। काफ़ी अच्छी मूवी थी ये, 1975 की मूवी है, एक तरीके से रोम कॉम मूवी, आप इसको बोल सकते हैं कि रोमांटिक कॉमेडी मूवी है, काफ़ी मतलब कि मतलब हल्की फुल्की मूवी है, और कुछ मतलब कि आपको जो है मतलब कि इसमें जो कुछ चीज़ों से मतलब आपको आज के टाइम में जो मतलब जिस तरीके का मतलब चीज़ें चलती हैं अब, तो उससे मतलब कि उस समय के काल से आप थोड़ी आपको दिक्कतें होंगी, बट आप देखेंगे कि ये पुरानी मूवी है, उस समय की मूवी बनी हुई है, तो उस वजह से मतलब कि आप इसको थोड़ा देखिएगा, उस नज़र से देखिएगा, ना कि आज के परिप्रेक्ष्य में इसको देखिएगा। जो वुमन का जो ट्रीटमेंट है वगैरह की बातें हैं इसके अंदर, तो ये मतलब काफ़ी अच्छी रोमांटिक कॉमेडी मूवी है, आप इसको देखिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।